बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर जम्मू के सरकारी राशन डीलर बेहद खफा हैं। इन लोगों का आरोप है कि ये सिस्टम उनके लिए सिरदर्द बन गया है। राशन डीलरों का आरोप है कि बायोमेट्रिक मशीन पर थंब इम्प्रेशन न लगने से उन्हें राशन वितरित करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, इससे राशन कार्ड धारकों को भी कई घंटों के इंतजार के बाद बिना राशन के ही घर लौटना पड़ता है। इसके साथ साथ इन लोगों के मुताबिक बायोमेट्रिक सिस्टम कोरोना संक्रमण के फैलाने का कारण भी बन सकता है। लिहाजा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और कोरोना महामारी में इस सिस्टम को बंद करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हमारे पास कस्टमर आता है तो सारे कस्टमर जो है जवान भी है, बीच में बूढ़े भी हैं, जिनका थंब ऑपरेशन नहीं लगता है, उनको बेचारों को वो एक एक घंटे के बाद उसका नंबर आता है तो उसको हम राशन के लिए जवाब दे देते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका कोई मसला हल किया जाए। कई नौजवानों का भी जो फिंगर जोड़े हैं इस पर, हमारी मशीन पर लगता, तो हमारा ये है डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि इनका भी कुछ बंदोबस्त किया जाए। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि कोरोना से बचो, डिस्टेंस बनाकर रखो, तो डिस्टेंस क्या बनाकर, हम तो लोगों के अंगूठे पकड़ कर लोगों के बाजू पकड़ कर करके अब मशीन पर लगवा रहे हैं, तो इससे कोरोना जो बढ़ेगा या कम होगा, इससे हमारी सेफ्टी भी है और लोगों की सेफ्टी भी है, क्योंकि एक आदमी हमारे पास कम से कम 200 आदमी रोज का जो है हम डील करते हैं, तो 200 को हम कभी उस पर अंगूठे लगाते हैं एक ही जगह पर, तो इससे कोरोना बढ़ेगा या कम होगा। ਕੀ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਚੀ